दोस्तों आज हम देखेंगे फार्मूला एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ठीक। तो इसमें क्या देखेंगे? इसमें ऐसे करके इसको देखिए, थोड़ा अगर हम अच्छे से लिखने की कोशिश करें तो बांडों को दिखा के, तो देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला इस शेप में बनता है। ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ, और ये एच। ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड का फार्मूला हो गया। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन 2 बॉन्डों से जुड़ा है। ठीक है, हाइड्रोजन को यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये ऑक्सीजन को यहां पर भी नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। और जैसे ये हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजनों को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, ये हो गया एसिटिक एसिड का फार्मूला। अब देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन कितने 4 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन कितने 2 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 रहती है, तो 1 बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। ये देखिए, इसी को हम बिंदु सूत्र से दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो कार्बन की बाहर वाली सेल में, तो कार्बन की पहली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाली सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, कार्बन है, कार्बन के पहली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार कार्बन की बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन और होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है? बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉनों, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसे 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के ऑक्टेट रूल के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन होगी। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो और इसीलिए कार्बन कितने 4 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन के पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। दूसरी वाली सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पहली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पहले वाली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी सेल में कितने है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल के अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन करेगा बाहर वाली सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। और जैसे ऑक्सीजन बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, और इसीलिए ऑक्सीजन क्या है? 2 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। और हाइड्रोजन का क्या है? एटॉमिक नंबर
एक होता है, ठीक है, पहली सेल कह लो या बाहर वाली सेल कह लो, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या एक ही सेल होगी और वो क्या और उसमें कितना एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्टेट रूल के अनुसार हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दो। तो दो इलेक्ट्रॉन करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक, ठीक है। तो इसीलिए इसकी बैलेंसिंग कितनी होती है, एक, और इसीलिए हाइड्रोजन कितने बॉन्डों से जुड़ा रहता है, एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये देखिए एक कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं, ठीक। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है। और ये हाइड्रोजन है, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक है। ये हाइड्रोजन है, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। और ये कार्बन है, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक है। और ये ऑक्सीजन है, तो बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों का पी क्या है, हम ये तो सुविधा के अनुसार लिख रहे हैं, यहाँ तो ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चार यहाँ दिखा दिए, दो यहाँ दिखा दिए, या दो यहाँ दिखा दिए, एक इधर दिखा दिया, एक इधर दिखा दिया, ठीक है। और कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन ये हैं, तीन हमने ऐसे दिखा दिए, ठीक है। और एक, एक दो तीन चार पांच और ये छह, ऐसे दिखा दिया। और ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये बॉन्डों से कैसे जुड़ेगा, देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में इसके जो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके दो इलेक्ट्रॉन बना कर लेगा, ठीक है। ये ऐसे करके ये दो इलेक्ट्रॉन इसने कर लिए। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन है। और ये कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन से साझा करके आठ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। और ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन बाहर वाले सेल में कितने, छह इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में एक एक हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया। और एक क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। इस केसेस में ऑक्सीजन क्या करता है, केवल कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करता है और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। इस वाले ऑक्सीजन के केस में क्या करता है, केवल कार्बन के ही दो इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है, ठीक। अब इस कार्बन का देखिए क्या है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक क्या करा इसने, एक इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया और दो इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया और एक इस वाले कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके आठ इलेक्ट्रॉन कर लिए। और इस केसेस में क्या है, इस केसेस में क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसने क्या करा, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके दो इलेक्ट्रॉन कर लिए। देखिए इसने भी वैसे ही करा, इसने सेम ऐसे करा, इसने सेम कर ऐसे करा। और कार्बन के केस में अगर आ जाएंगे तो कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने, चार इलेक्ट्रॉन है, तीन इन हाइड्रोजन से हो गए। ये देखिए एक और ये एक, ठीक। और ये देखिए एक तीन हो, ये हो गए चार, तीन सात हो गए, ये अभी कितना हुआ है, सात हुआ है। और एक क्या करेगा, एक इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन से भी साझा कर लेगा, तो अब कितना हो गया है, अब टोटल ये आठ हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है हमारा, इसमें हमने ये देखा है कि कार्बन कितने बॉन्डों से जुड़ा है, तीन बॉन्ड से जुड़ा है, ऑक्सीजन कितने बॉन्डों से जुड़ा है, दो बॉन्डों से जुड़ा रहता है,
हाइड्रोजन कितने बॉन्डों से जुड़ा रहता है? एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और ये बॉन्ड का बेसिक क्या है? कोई भी जो भी तत्व है, एटम है, तो उसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उसमें उतने ही बॉन्ड से वो जुड़ा रहता है। मतलब किसी भी तत्व है, परमाणु है, ठीक है ना, उसकी जितनी वैलेंसी होगी, तो वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी वैलेंसी में क्या रहता है कि कोई भी जैसे तत्व परमाणु है वो जितने इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है वो उसकी उतनी वैलेंसी होती है, ठीक है ना। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन क्या करता है? चार इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? दो इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है। हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कार्बन की वैलेंसी चार होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है। और इसीलिए कार्बन चार बॉन्डों से जुड़ा रहता है, और चार बॉन्डों से जुड़ा रहता है, चार इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है। ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, वो दो बॉन्डों से जुड़ा रहता है, मतलब दूसरे एटम के दो इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करता है। हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है, तो हाइड्रोजन क्या करता है? दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, ठीक है ना। और क्या रहता है वैलेंसी का फंडा? कि कोई भी जैसे जो एटम रहता है वो अपन पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैसें हैं, इनर्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो उस केसेस में अगर वो जैसे चार अपना जो भी ऑक्टेट है वो अगर इनर्ट गैसों में चार इलेक्ट्रॉन को लेकर, चार इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा, चार इलेक्ट्रॉन को लेके ऑक्टेट पूरा करेगा, तो उसकी जो वैलेंसी होती है वो माइनस में रहती है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उसको अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है तो उसकी वैलेंसी प्लस में रहती है। जैसे सोडियम की वैलेंसी एक होती है तो ये प्लस में रहती है, और क्लोरीन की वैलेंसी माइनस बन रहती है। क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। और बाहर वाली सेल में, क्लोरीन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सात होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इसमें एक माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। सोडियम क्या है? सोडियम के बाहर वाली, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, इसका 17 होता है, ठीक है ना। तो अब 11 बराबर कितना होता है? दो, दो आठ दस और एक। और 17 में क्या रहता है? दो आठ और सात। ये क्या करता है? ये प्लस एक करता है और ये माइनस एक करता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी प्लस वन आती है और इसकी वैलेंसी माइनस वन आती है, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बता रहा हूँ। ये वैलेंसी के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, प्लस और माइनस कब कैसे हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।